अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर का हमारा ये लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका हमारे पास थर्ड जो पार्ट है वो इन्वॉल्व है कोर्स के अंदर। तो उसमें कह रहे हैं कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। हमारे पास टू वेक्टर्स गिवन है, कह रहे हैं कि इसका आप लोग जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें। सो आप लोग जानते हैं हमने क्या सबसे पहले क्या किया कि जो फर्स्ट वेक्टर था उसको हमने ए नाम दे दिया है, सेकंड वेक्टर को हमने वेक्टर बी नाम दे दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि हाउ डू यू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट हम डाल लेते हैं। सो आई जे के यूनिट वेक्टर्स आ गए और आई के नीचे आई की वैल्यूज दोनों वेक्टर्स की, जे के नीचे जे की दोनों वैल्यूज और के नीचे के की दोनों वैल्यूज, ठीक है जी। सो ये फर्स्ट वैल्यूज ये हैं, ये ए की हैं, ये सेकेंड वैल्यूज ये हैं वो बी की हैं। तो हमने वैल्यूज पुटिंग कर दी इन वेक्टर्स में से देखते हुए। तो हमारे पास आया आ जाएगा, आप लोगों ने ये मैट्रिक्स में पढ़ा है इससे पहले जो चैप्टर था मैट्रिक्स में, आप लोगों ने 3x3 का डिटरमिनेंट सीखा कि हम किस तरह निकालते हैं। सो आई आ जाएगा, आई के साथ हम जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे +9 माइनस फार्मूले वाला और 5 × 2 = 10 आ गया। फिर माइनस ये फार्मूले से आ गया और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो -6 माइनस फार्मूले से 6 × 5 = 30 हो जाएगा, ठीक है जी। सो प्लस के एंड माइनस 2 × 2 = 4 एंड माइनस फार्मूले वाला और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे 6 × 3 = +18। सो इससे आता है -i - j इंटू -36 +k × 22। सो इससे आ जाएगा -i + 36j + 22k, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर, ठीक है जी। सो हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर लिया। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि शो इन टू डिफरेंट वेज, आप दो मुख्तलिफ तरीकों से बताओ कि ए एंड बी, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं आर पैरल, ये हमारे पास पैरल हैं, दो तरीकों से आप लोगों ने बताना है, ठीक है जी। सो हम देखते हैं कि वो दो तरीके कौन से हैं। एक तरीका तो आप लोगों ने पढ़ा है कि एक तरीका तो ये है कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी, ठीक है जी, ए क्रॉस बी अगर इन दोनों का दोनों वेक्टर्स का ए क्रॉस बी 0 आ जाए तो ये हमारे पास पैरेलल होंगे। ये क्यों बेटा, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ये इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, इसकी इक्वल है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये साइन 0 है सो ए इंटू बी, ये मैग्नीट्यूड अगर, ठीक है, वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड डेफिनेटली कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। सो ए और बी का जब मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है और इधर अगर साइन 0 आ जाए तो साइन 0 हमारे पास 0 की इक्वल आता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू 0 से इससे आ जाएगा 0। तो इट मीन्स दैट जब एंगल हमारे पास कौन से दो वेक्टर्स का एंगल 0 होता है, जब वो पैरेलल हो, ठीक है, जब उनके दरमियान कोई एंगल ना हो तो वो पैरेलल होते हैं, तो उसके दरमियान जो एंगल होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो हमारे पास ए क्रॉस बी साइन थीटा आ जाएगा, सो थीटा हमने 0 पुट किया तो हमारे पास ये सारा 0 हो गया। तो एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि अगर हमारे पास दो इक्वल वैक्टर्स हों, ठीक है जी, दो एक जैसे वैक्टर्स हों लेकिन अगर उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो, बाकी अगर उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम हो तो वो भी पैरेलल होंगे, ठीक है। उसका मतलब क्या है, देखिए हमारे पास मतलब फर्स्ट मेथड क्या है, टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर बी, वो क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे इफ देयर एग्जिस्ट, अगर वहां पर इस तरह का एक टी हो, टी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, सच दैट वो इस तरह हो कि ए वेक्टर ए इज इक्वल टू टी, ये रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं हम बी के साथ। मतलब क्या है कि हम ए और बी इक्वल हैं लेकिन हमने कोई एक रियल नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है वेक्टर बी के साथ, या इस तरह हो जाए कि बी जो हो वो इक्वल हो वेक्टर ए के साथ लेकिन उससे हमने ये जो टी है कोई रियल नंबर इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सेम है लेकिन इसके साथ हमने कोई नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, दूसरे वेक्टर के साथ। सो हम इसमें ये प्रूफ करेंगे। सो अच्छा, तो हमारे पास देखें ये ए है, ये हमारे पास हमने ए को इसके इक्वल ले लिया 3i + 6j - 9 के, ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है इसकी। सो इससे अगर मैं 3 का मान ले लूँ, 3 × i + 2j इधर से आ जाएगा -3k, ठीक है जी। सो ये किसकी वैल्यू है, i + 2j - 3k, ये हमारे पास वेक्टर बी की है। सो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 × वेक्टर बी, ये दोनों आपस में वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल हैं लेकिन हमने बी के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है जी। सो ये हमारे पास 10a and b आर पैरेलल, तो इससे हमें ये प्रूफ हुआ कि ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ये मेथड फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड मेथड ये वाले यूज करेंगे। तो सेकंड मेथड में क्या कहते हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी वुड बी पैरेलल, ये हमारे पास पैरेलल होंगे इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, अगर ए क्रॉस बी हमारे पास 0 आ जाए। सो ए क्रॉस बी हम किस तरह मालूम करते हैं, हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी किया है, मैंने आपको समझाया भी हुआ है, आई जे के और आई के नीचे ए की वैल्यूज, ए की जे के नीचे जे की वैल्यू और के नीचे के की वैल्यूज, सो हमने डाल दी। फिर हमने डिटरमिनेंट के मेथड से आई इज इक्वल टू -18 + 18, ठीक है जी, और -j फार्मूले से आ गया
माइनस नाइन और प्लस नाइन आ गया, प्लस के इंटू सिक्स माइनस सिक्स, सो इससे आ गया जीरो आई माइनस जीरो जे प्लस जीरो के, सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। तो यहाँ से भी जीरो हो गया, सो हेंस ए एंड बी आर पैरेलल, ठीक है जी। सो ये भी पैरेलल हो गया, तो हमने दो मेथड से बता दिया कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है जी। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के पार्ट सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास क्या कहता है, कैन फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज ऑर्थोगोनल। आप एक यूनिट वेक्टर मालूम करो जो कि ऑर्थोगोनल हो, मतलब उनके परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री एंगल बनाए, किसके साथ, इन दोनों के साथ, ए के साथ भी और बी के साथ भी, ठीक है जी। सो हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी किसकी इक्वल है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट मालूम किया, सो क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस 25 आई प्लस 3 जे प्लस 13 के, ठीक है जी। दिस इज ए क्रॉस बी, सो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं अभी। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इन सब जो वैल्यूज है, माइनस 25 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हमने लिया प्लस 13 का स्क्वायर, और सबको अंडर रूट डालिए, ये हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। सो जब हमने इनको सॉल्व किया तो इससे आ गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अंडर द रूट 803। तो हमने अभी लेट सपोज किया कि n जो है हमारे पास वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जो कि ऑर्थोगोनल है a और b के ऊपर, ठीक है जी। हम उसको हमने उसको एक नाम दे दिया n, तो n हमारे पास किसकी इक्वल होगा, a क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दोस टू वेक्टर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दोस टू वेक्टर, ठीक है जी। सो हमने क्रॉस प्रोडक्ट भी ऊपर लिख दिया जो हमने मालूम किया हुआ है, दिस वन, ठीक है जी, और हमने इसके मैग्नीट्यूड पे इसको डिवाइड भी कर दिया है, विच इज अंडर द रूट 803, ठीक है जी। सो हमने n i को सेपरेट कर दिया है डिनोमिनेटर के साथ, जे को भी सेपरेट कर दिया है एंड के को भी सेपरेट कर दिए, सो दिस इज आवर यूनिट वेक्टर जो कि ऑर्थोगोनल होगा ए और बी दोनों वेक्टर्स के ऊपर, ठीक है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव सेज दैट यूज वेक्टर प्रोडक्ट टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप लोग जो है वेक्टर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो इस तरह कि आप लोग जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करो, ठीक है जी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बेसिकली अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो है दो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो दो वेक्टर्स का अगर हम जो है हमारे पास दो वेक्टर्स जो है वो पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है, अगर हम उसका एरिया मालूम करें तो पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है, हम उसका जो एक बेस है और उसका जो एल्टीट्यूड है उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एरिया जाता है, लेकिन अगर हम उसके अंदर एक डायगोनल बना लें तो उससे ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो इस वेक्टर को मैंने इस साइड पर भी ले लिया और इस वेक्टर को मैंने इस साइड पर ले लिया, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया। अगर इसी तरह मैं इस तरह डायगोनल बना लूँ तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया, हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए। तो कह रहे हैं कि आप पैरेललोग्राम के मेथड से या ए क्रॉस बी के मेथड से जो है आप इस ट्राइंगल का एरिया मालूम करो, तो अगर हम इस होल एरिया को टू पर डिवाइड करें तो हमारे पास ये हाफ आ जाएगा ना, ठीक है जी। सो हम उसी मेथड को यूज़ करेंगे, ये हमारे पास पॉइंट पी है, ये हमारे पास पॉइंट क्यू है, ये हमारे पास पॉइंट आर है, ये ट्राइंगल के तीन जो है वो एंड पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं, सो लेट पी आर एंड पी क्यू बी द एडजेसेंट साइड। तो हमने क्या किया कि पी आर और पी क्यू को हमने एडजेसेंट साइड ले लिया, जिस तरह ये इसको हमने इस साइड को हमने क्या कर दिया, पी आर ले लिया और इस साइड को हमने पी क्यू ले लिया, ठीक है जी। इन दोनों साइड को हमने पी आर पी क्यू को एडजेसेंट साइड ले लिया, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास इक्वल है हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप लोग जानते हैं कि पी आर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे पी क्यू के साथ जो एडजेसेंट साइड है, तो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए हमें पी आर मालूम करना, क्योंकि हमारे पास पी आर तो नहीं है, पॉइंट पी है और पॉइंट आर है, पी क्यू भी हमें मालूम करना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ पॉइंट पी है और पॉइंट पी क्यू है, क्यों है। तो पी आर आप लोग जानते हैं कि वेक्टर को हम किस तरह मालूम करेंगे, पॉइंट आर में से हम पॉइंट पी को माइनस कर लेंगे, आर माइनस पी, तो आर की वैल्यूज हमने पुट की विच इज़ 4, 3, -3 एंड माइनस पी की हमने वैल्यूज पुट की -2, -1 एंड 3, ठीक है जी। ये वैल्यूज हमने पुट की, माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4+2 और 3, --+1, -3 और -3 आ गया, सो इससे आ जाएगा 6, 4, -6, ये हमारे पास किसकी वैल्यूज़ है, ये हमारे पास पी आर वैक्टर जो है उसकी पॉइंट्स आ गए, ठीक है जी, ये उसकी वैल्यूज़ हैं, उसका आई 6 होगा, जे 4 होगा और उसका के जो होगा वो -6 होगा, ठीक है, तो हमारे पास ये वैक्टर बन जाएगा। अच्छा जी, अब हम पी क्यू मालूम करेंगे, सो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, सो 1, 2, -1, ये हमारे पास क्यू की वैल्यूज़ हो गई और माइनस फार्मूले वाला और पी की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, तो जब हम क्यू माइनस पी करेंगे तो हमारे पास 1+2 आ जाएगा विच इज़ 3, 2+1 विच इज़ 3 एंड -1, -3 विच इज़ -4, ठीक है जी, हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट इनका मालूम करेंगे, सो पी आर क्रॉस पी क्यू, वही डिटरमिनेंट का मेथड, आई जे के और उसके नीचे आई के नीचे आई की वैल्यूज़, जे के नीचे जे की वैल्यूज़ एंड के नीचे के की वैल्यूज़, जब हम डिटरमिनेंट वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और फिर इससे हम सॉल्व करेंगे तो 2i+6j+6k, ये हमारे पास
पी आर क्रॉस पी क्यू, इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर लिया है वेक्टर पी आर का और पी क्यू का। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, इन सब वैल्यूज़ का स्क्वायर हम ले लेंगे और इसको अंडर रूट में डालेंगे, ठीक है जी। सो हमने 2 का स्क्वायर ले लिया, 6 का स्क्वायर ले लिया और फिर 6 का स्क्वायर हमने ले लिया। सो हमारे पास 4 + 36 + 36 इससे आ गया अंडर द रूट 76। तो अंडर द रूट 76 इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट 19, ठीक है जी, इसकी इक्वल है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, तो हम इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसकी इक्वल है, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर क्रॉस पी क्यू। मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया विच इज 2 अंडर रूट 19, हमने ये पुट कर दिया, सो 2 इधर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ने कैंसिल हो गया, सो आवर आंसर इज अंडर द रूट 19। तो अगर हमारे पास इस तरह के दो तीन पॉइंट्स होंगे तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, वो इसकी इक्वल होगा, ठीक है जी। सो बेटा दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम आगे जाएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, अस्सलाम वालेकुम।